नमस्कार। सियासत में अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कई बार उसमें खुद भी गिर जाते हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 30 मई की घटना आपको याद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे और उसके ठीक 3 घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और JDU प्रमुख नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे थे, वो बहुत बड़ी सियासत कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का जो सियासी जनाधार बिहार में तेजी से बढ़ रहा है उस पर प्रहार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें सम्मानजनक स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो रहे हैं। हकीकत क्या थी? वो अपने 3 नज़दीकियों को मंत्रिपरिषद में शामिल कराना चाहते थे, जिसको वो बड़ी चालाकी के साथ छिपा गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया था, नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया था, उसी की वजह से नीतीश कुमार की वो सियासत एक्सपोज हो गई। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था कि सहयोगी दल, चाहे शिवसेना है, JDU है, अकाली दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है या अपना दल है, उन सबको, चाहे उनके जितने भी MP जीत करके आए हैं, एक एक सीट केंद्रीय मंत्री परिषद में दी जाएगी। बाकी सब दल मान गए, लेकिन नीतीश बाबू और अपना दल की अनुप्रिया पटेल नहीं मानी, वो मंत्री परिषद से बाहर रहे। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने 4 दिन बाद पटना में अचानक ये फैसला किया कि शपथ ग्रहण समारोह किया जाए, यानी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाए। 8 मंत्री शामिल किए, भारतीय जनता पार्टी का उनमें एक भी नहीं था, जबकि बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश बाबू ने एक और सियासत खेली। उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में 8 में से 6 दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के मंत्री शामिल किए और ये भी आरोप लगाया कि चूंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने जितने चेहरे शामिल किए हैं उनमें से एक को छोड़कर के बाकी सब अगड़े वर्गों के हैं, इसलिए हमें संतुलन साधने के लिए बिहार में पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को अपनी सरकार में ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन नीतीश बाबू, ये जो गड्ढे आप सियासत के खोदते हैं दूसरों के लिए, कई बार ये आपके लिए खतरनाक साबित होते हैं। कुछ प्रकृति का न्याय है और ये प्रकृति का न्याय कई बार दूसरों पर भी भारी पड़ जाता है। हुआ क्या है बिहार में कि पिछले 1 महीने से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। चमकी बुखार से 168 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और नीतीश बाबू और उनका पूरा महकमा, स्वास्थ्य महकमा, गहरी नींद में सोया पड़ा था। उसको चिंता ही नहीं थी कि बच्चे मर रहे हैं, उनकी सुध ली जाए, इस बीमारी को रोकने के प्रयास किए जाए। ये मामला तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया और मुख्य धारा के नेशनल मीडिया ने इसकी कवरेज करना शुरू की और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़े निर्देश जारी किए कि इस ओर सरकारें ध्यान दें, न केवल बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी। और बिहार, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये पूछा है कि जो बच्चों की मौत हो रही है, इससे निपटने के लिए, इसके उपचार के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, उपचार की व्यवस्था क्या है और अब तक सरकार ने क्या किया है। क्योंकि जिस तरह की खबरें वहाँ से मीडिया में आ रही हैं वो तो बड़ी चौंकाने वाली है। वहाँ अस्पतालों में एक एक बेड पर 2-2 बच्चे, यहाँ तक के 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, जिनका उपचार करने की कोशिश वहाँ के डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं। वहाँ के अस्पतालों में पर्याप्त बेड सुविधा नहीं है, पर्याप्त नर्सिंग व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं है, दवाएं नहीं हैं,
गंदगी का बुरा हाल है और बदहाली हर तरफ दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब घिरने लगे, और उनको ये भी अच्छे तरीके से एहसास था कि जितने भी बच्चे मर रहे हैं वो सब गरीब परिवारों के ही हैं, पिछड़े वर्ग के ही हैं, दलितों के ही हैं, जिनके नाम पर उन्होंने कुछ समय पहले सियासत करने की कोशिश की थी और अपनी ही सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। चौतरफा दबाव के बाद नीतीश बाबू मुजफ्फरपुर गए, अस्पतालों में गए, मरीजों का हालचाल पूछा और वहाँ उनको मरीजों के तीमारदारों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। नेशनल मीडिया से, स्थानीय मीडिया से नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वो तीखे सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं। तो अति पिछड़ों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के नाम पर सियासत करने वाले नीतीश बाबू खुद ही इस घटना से पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं और घिर गए हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।